हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा हो। माँ के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का यह समय तीखे तीर की तरह है। जो जो विदाई की घड़ी पास आ रही है उसकी नोक हृदय को अंदर तक बहती चली जा रही है। लगता है टोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा, फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। कैसी है यह रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रहकर घबराता है कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा, वहां कौन करेगा लाड़ प्यार, यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात। आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात? परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी तुम्हारी माता भी यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह अपने अपने पति के साथ सुखी रहे। उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। जब डाली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये राज।
की जात बनाए। आज बिदाई राज दुलारी, आज बिदाई प्राणन प्यारी की, आज बिदाई कतनों हो सुख बचपन बीता, छोड़ गई कुछ यादों के मोती, प्राण विदेह के ले गई सीता, जनक बेचारा सारी खुशियां भई रे प।